प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनमें से ज़्यादा मिला है कंटेंट। अच्छा, हेल्प मिल रही है। जी, उनमें से मिली है काफ़ी। तो नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। तो फाइनली आज 20 दिसंबर को दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ है और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया है। एग्ज़ाम सेंटर से कैंडिडेट बाहर आ गए हैं, तो इनसे जानेंगे कि आज कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे फर्स्ट शिफ्ट में तो कुछ हुआ नहीं, सारी बातें इनसे करने वाले हैं और रिव्यू भी लेंगे कि कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैम, कैसा हुआ एग्ज़ाम, थोड़ा बताओ। क्या हो गया? तो अभी काफ़ी कैंडिडेट आ रहे हैं। कैसा हुआ मैम एग्ज़ाम? अच्छा हुआ। एक मिनट, कितने क्वेश्चन किए? इधर आओ। पूरे किए थे 150 क्वेश्चन। ऑनलाइन फर्स्ट अटेम्प्ट है या पहले? हाँ, फर्स्ट बार दिया था। कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। तो कुछ क्वेश्चन याद है सीडी वगैरह के? लैंग्वेज कौन सी थी आपके पास? लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत। कैसा था लेवल? ठीक था, सही था। क्वेश्चन याद है कुछ? नहीं याद है क्वेश्चन। हो गया एग्जाम? हो गया। थोड़ा एक मिनट बताओ कैसा हुआ? अच्छा हुआ सर। कितने क्वेश्चन किए? सर सभी क्वेश्चन किए। पहला अटेम्प्ट है क्या? ऑनलाइन एग्जाम कभी दिया था? नहीं, कभी नहीं दिया, पहला ही है। कोई दिक्कत आई कंप्यूटर चलाने के दौरान? नो सर, सर ने बता दिए थे। हेल्प की थी? यस सर। सर्वर डाउन की कोई आज प्रॉब्लम? नो सर। स्लो वगैरह कोई स्पीड में? नो सर। अच्छा, कुछ नहीं आया सर। जो तैयारी की थी, जो सिलेबस था, उसी में से आया क्या? यस सर। कैसा एग्जाम का लेवल कैसा लगा आपको? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा तो बहुत अच्छा हुआ है। आपकी कौन सी लैंग्वेज थी? कौन सी? हिंदी। हिंदी में कुछ क्वेश्चन याद है? नहीं सर, ऐसे तो नहीं है। चलिए, संस्कृत में? और मैथ वगैरह का लेवल? मैथ सही था प्राइमरी का। उसमें साइंस आया होगा सेकंड? नहीं, सोशल साइंस। याद है कुछ क्वेश्चन? नो सर, ऐसे नहीं याद है, वो तो पेपर मिलता है जब याद हो जाता है। तो क्या लग रहा है कि ये 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे? सर मेरे तो हो जाएंगे, और मेरे तो हो जाएंगे। लग रहा है ना? नहीं लग नहीं रहा सर, हो जाएंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा हुआ। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे स्कूल की आप? काफ़ी दिनों, वैसे यूपी डेट की ज़्यादा कर रहे थे, इसकी थोड़ा कम। अच्छा अच्छा, तो ये कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ, लेकिन फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छा हुआ। अच्छा, फर्स्ट वाला है। तो लग रहा है कि 90 क्वेश्चन दोनों के सही हो जाएंगे और ऊपर ही होंगे, 100 पार जाएंगे, इतना तो क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन याद है किसी भी पोर्शन के? जैसे कि लैंग्वेज कौन सी थी आपके पास? मेरे पास एसएससी थी, मतलब सेकंड लैंग्वेज थी हिंदी की। तो याद है कुछ क्वेश्चन एसएससी से? ऐसा कुछ मतलब खास नहीं आया, मतलब ज़्यादातर उसमें पैडागोजी ज़्यादा ही थी। पैडागोजी का कोई क्वेश्चन फिलहाल तो कोई कोई बेस्ट ऑफ कैसा हुआ? अच्छा, फर्स्ट पेपर की अपेक्षा सेकेंड पेपर बहुत ईजी आया। फर्स्ट टफ था, फर्स्ट थोड़ा टफ लगा जी। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे आप? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट हो गया था, सेकंड बार दिया था। अच्छा, आपने कभी ये पहले ही दिया था ऑनलाइन एग्जाम? नहीं, फर्स्ट टाइम। तो कोई दिक्कत आई ऑनलाइन एग्जाम के दौरान? नहीं। अच्छा, तो कुछ लैंग्वेज कौन सी थी आपके पास? मेरे पास संस्कृत। संस्कृत और हिंदी। तो कैसा था सिलेबस संस्कृत और हिंदी का? संस्कृत दोनों में अच्छी आई थी, लेकिन सेकंड पेपर अच्छा था फर्स्ट की अपेक्षा, बस प्राइमरी लेवल थोड़ा टफ आया था, अदर सब ठीक है। आपके बोर्डिंग एग्जाम का लेवल कैसा है? अच्छा लेवल आया था, पहले से ऑनलाइन में थोड़ा हार्ड है। प्राइमरी फर्स्ट पहली बार जब अटेम्प्ट किए थे तो अच्छा था, स्कोर भी अच्छा हुआ। तो लग रहा है कि 90 प्लस क्वालिफाई हो जाओगे? पता नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कह नहीं सकते। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। 16 के जो 16 को पेपर था उसके अपेक्षा काफ़ी टफ था पेपर ये वाला। ये जी, थैंक यू। कैसा है आपका? अच्छा था पेपर। अच्छा, प्राइमरी का भी दिया होगा आपने? जी, प्राइमरी का भी दिया। दोनों में से कौन सा ये वाला ज़्यादा बेटर? ये ज़्यादा बेटर। कितने दिनों ये टाइम से? ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाया था प्रिपरेशन के लिए, और भी एग्ज़ाम लगे हुए थे, तो अभी महीना भर बस। अच्छा, जैसे एंट्री के टाइम क्या क्या चेक किया था? जी, एंट्री ली थी सुबह, एंट्री जी जी जी, उस समय क्या क्या चेक कर रहे हैं? आधार कार्ड चेक किया था बस, और एडमिट कार्ड, और कुछ नहीं। उसके अलावा नहीं? नहीं, और कुछ भी। अच्छा, जैसे कि सेकेंड पेपर की बात की जाए, कौन सी लैंग्वेज थी आपके पास? मेरा सोशल साइंस था। अच्छा, सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन तो कुछ नहीं याद है, एक भी मतलब याद नहीं है, इतने सारे थे वो जल्दी जल्दी में, तो क्वेश्चन तो याद नहीं है। एक मतलब अब पहले कभी दिया था ऑनलाइन एग्जाम? नहीं नहीं, मतलब ऑनलाइन एग्जाम तो दिया है, पर सीटेट का पहली बार दे रही हूँ। यानी आपको तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। और हिंदी वगैरह भी थी आपके पास? जी, हिंदी भी थी। हिंदी का सिलेबस कैसा था? हिंदी का सिलेबस भी अच्छा था, ये वाला पेपर ज़्यादा बेटर था मॉर्निंग वाले पेपर के अकॉर्डिंग। ओवरऑल देखा जाए तो जो सिलेबस है सीटेट का, उसी में से आ रहा है? जी, उसी में से ही था, कुछ भी बाहर से नहीं था, मोस्टली सारा जो ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे। अच्छा, जिन कैंडिडेट का भी एग्जाम होना है 13 जनवरी 2022 तक रेगुलर एग्जाम होना है,
जी, उनसे क्या कहना चाहोगे अभी आप एग्जाम दे के आए हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उनमें से ज़्यादा मिला है कंटेंट। अच्छा, हेल्प मिल रही है? जी, उनमें से मिल रही है काफ़ी। तो दोनों ओवरऑल दोनों एग्जाम आपके हुए हैं जी, अच्छे हुए हैं जी, दोनों ही अच्छे लग रहा है कि दोनों ही क्वालिफाई हुए हैं जी, दोनों ही क्वालिफाई हो जाएंगे। यूपी टेट का भी होगा जी? नहीं, यूपी टेट का नहीं है, मेरा अपेयरिंग में है अभी बीएड, अभी फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुई है तो मैंने अभी सिर्फ सी टेट का ही दिया है, अब कंप्लीट हो जाए तब यूपी टेट का दूंगी। चलिए चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।